क्या यार ये इसको सॉल्व कर पाएगा? लग रहा है ये बहुत करीब है। और तो भाई ये है मोयू का क्यूबिंग रोबोट, हमारे पास आ चुका है। मुझे नहीं पता इसको हम कहां से खोल सकते हैं, बट हम स्टार्ट करते हैं यार। फाइनली रोबोट हमारे हाथ में लग चुका है और मोयू अपनी पैकेजिंग पे दिन ब दिन इतना काम करता जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि यार रोबोट के साथ हमें क्यूब भी मिलेगा। ये इनके मीलोंग के गिफ्ट बॉक्स की पैकेजिंग जैसा है सेम, लेकिन हम इसको डायरेक्टली खोलते हैं, बॉक्स पे बाद में बात कर लेंगे। और फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात करूँ तो ये बहुत यार मुश्किल है इसमें से बाहर निकालना, और मज़ेदार वेट है यार, लाइक बहुत हैवी नहीं है लेकिन बहुत प्रीमियम क्वालिटी की फीलिंग आ रही है। ऑब्वियसली गैन रोबोट से ज़्यादा सॉलिड लग रहा है अभी तक तो मुझे। ये बहुत एक लोकल क्यूब मीलोंग जैसी फीलिंग आ रही है इस क्यूब से यार। इसके नीचे ग्रिपी मटेरियल लगा हुआ है जो ये ग्रिप में मदद देता है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या पड़ता है, लेकिन अभी इसको साइड पे रखते हैं। इसके अलावा एक यार ये कितना क्यूट है, इसमें बैटरीज तो नहीं, मैंने आज से पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो मुझे कोई अच्छा वायर है यार। ये बहुत अच्छी इन्होंने पैकेजिंग में सब कुछ भेजा है, तुम लोग देख सकते हो ये टाइप सी की केबल है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। खैर हम देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास। क्यूब रोबोट सेंटर कैप्स एक्सेसरी बॉक्स, तो हम इसको खोल लेते हैं। और ये एक मैनुअल है, इसको हमें शायद पढ़ना पड़े ज़िंदगी में पहली दफ़ा। और यहाँ बहुत से सेंटर कैप्स हमें मिल जाते हैं यार, मतलब ये हम किसी और क्यूब में शायद सेंटर कैप लगा सकते हैं और वो क्यूब भी एक तरह का क्यूब रोबोट में लगने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे और शायद इस पर रिव्यू भी बनाएंगे, लेकिन अभी अभी इस सब को हम साइड पे कर रहे हैं यार। इस वक्त हमारी वीडियो की मेन अट्रैक्शन ये है, और मुझे नहीं पता कि हम इसको आगे या पीछे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो शायद इसको ऐसे ही हम पीछे कर सकते हैं या क्या वजह। एक सेकंड, ये नीचे से हिलता है, ये तुम लोग देख सकते हो ये हिल जाता है। ओ जब इसको हिलाते हैं तो ये बिल्कुल बाहर आने के लिए रेडी है, लाइक ये अभी फुल टाइट है, तो जब हम इसको साइड पे कर देंगे तो ये खुल जाएगा। तो इस तरह इसको भी कर देते हैं तो हम क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं फिर। हो फाइनली यार, ये यकीन मानो मीलोंग लग रहा है, नहीं क्यूब मैग्नेटिक है यार। फिर क्या आर एस 3 है मैं, ये क्या है, लाइक ये सेंटर कैप्स में ऐसा कुछ है कि जब आप क्यूब पे लगाओगे तो आपका क्यूब एक तरह का स्मार्ट क्यूब बन जाएगा, लाइक पूरी तरह से नहीं लेकिन क्यूबिंग रोबोट के लिए। ये मैग्नेटिक क्यूब है, मैग्नेटिक मीलोंग ही लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि और कुछ तो नहीं लग रहा मुझे। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने देखी अभी अभी, यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं और वायर कहाँ पे लगनी है मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे तुम लोग थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस क्यूबिंग रोबोट को पूरा समझ लूँ, फिर हम आगे से वीडियो मर्ज करते हैं। तो एक ताली मारूंगा और वीडियो बदल जाएगी। तो देखिए यार, एक ताली की ताकत, हम इसको पूरा समझ चुके हैं एक ताली मारने के दरमियान। खैर बहुत से लोग कहेंगे हसनैन टेक्निकल 2.0 पे वीडियो क्यों नहीं अपलोड करा, भाई ये देख लो पोल, पोल ही बोलेंगे ना, हाँ हमने लगाया था, सबने कहा हसनैन टेक है। मेरा अपना प्लान हसनैन टेक्निकल 2.0 पे था, लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, हालांकि दोनों चैनल्स मेरे हैं लेकिन लोग चाहते हैं इस चैनल पे हम अपलोड करें, ऐसा नहीं होगा। जाके हसनैन टेक्निकल 2.0 को सब्सक्राइब करो, 10,000 सब्सक्राइबर होते ही हमने वहां पे क्यूबिंग सीरीज शुरू करनी है। खैर अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमने इस सब को कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। इस रोबोट की सबसे अच्छी बात, ये एप्लीकेशन के बगैर भी चलता है। अब ये देखो, ये अगर हम ये जो बने हुए इसको साइड पे करें तो हम इसको पीछे कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ये साइड पे नहीं होगा, दरमियान में होगा, तो इसको हम पीछे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सब के इनको हम पीछे करेंगे, मतलब लाइक इसको राइट पे या लेफ्ट पे किसी भी तरफ कर दो, कोई मतलब नहीं है, और इसको ईजिली हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज तुम लोगों को सिंपली समझ आ गई, और ऐसे ही इसको इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। आगे जाके मैं एक आम रूबिक्स क्यूब को भी तुम लोगों के सामने स्मार्ट क्यूब बनाऊंगा, और अब जब ये फिट हो जाए तो सबको तुम लोगों ने दरमियान में कर देना है। सिंपल सी इतनी सी बात तुम लोगों को समझ आ गई कि आखिर इसके अंदर हमने क्यूब को किस तरह अटैच करना है। उसके बाद यार हमें बॉक्स में ये दो मिले थे ना, इसमें वायर थी और इसमें सेंटर्स थे, इन दोनों को बाहर ही निकाल लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं यार, ये बहुत इनसेन चीज़ है। और इसकी वायर को बाहर निकालते हैं और वायर को इसके अंदर लगाते हैं और बताते हैं कि आखिर इसको हमने यूज़ कैसे करना है। इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर है, उससे हमारा कोई काम नहीं है।
मजेदारी की बात यह है कि ये वायर टाइप सी की है, तो तुम लोगों के मोबाइल जिससे चार्ज होते हैं ना, वो वायर भी तुम लोग अटैच कर सकते हो। भाई कहाँ जा रहा है, अटैच कर सकते हो। सिंपली एक पावर बैंक लो, या शायद आई थिंक तुम लोग डायरेक्ट बिजली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे यार ये मुझे स्टार्ट में नहीं था मिल रहा, बट ये यहाँ पर तुम लोग कैसे पता लगेगा, मैं तुम लोगों को इसकी एक आसान टेक्निक बता देता हूँ। जहाँ पर ये बटन है उसके बिल्कुल इस तरफ, समझ रहे हो, इधर तुम लोगों को ये मिल जाएगी। तो इसके अंदर तुम लोग इसको लगाओगे कुछ इस तरह, ये लग गया आई थिंक। हाँ, जब ये लग जाए, पावर बैंक को तुम लोगों ने साथ अटैच कर दिया। अब देखो यार यहाँ पे चार बटन है। ये सबसे पहला बटन है पावर बटन, इसको दबा के रखना है। ये दबाया, आई थिंक 2-3 सेकंड्स के लिए दबाया तो ये स्टार्ट हो गया। रोबोट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब तुम लोगों ने समझनी है यहाँ पे कुछ चीजें। सबसे पहले तुम लोगों को मैं इसको स्क्रैम्बल करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको रखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि येलो ऊपर वाली साइड पे रहेगा, और ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये रेड और ये ब्लू का इन्होंने एक तरह का इंडिकेटर दिया है, तो हमने उसी तरह रखना है। सॉरी, वाइट टॉप पर रहेगा तब ये कलर स्कीम बन पाएगी। ब्लू को इस तरफ, रेड को इस तरफ, ये जिस तरह इन्होंने बताया उस तरह ही रखना है, नहीं तो यार ये ना एक डॉट पैटर्न बना देता है। हमने स्क्रैम्बल करके रखा। अब ये दूसरे पे तुम लोग देख सकते हो एक रीसेट सा बटन बना हुआ, ये मतलब एक निशान बना हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे। बस क्लिक कर दिया। अब कमाल देखना, ये इस वक्त इसको स्कैन कर रहा है। ये सारे कलर्स, ये नीचे लाइट जो चल रही है वो लाइट इसके कलर्स को स्कैन कर रही है। अभी ये सॉल्व नहीं कर रहा, समझ लो एक तरह का इंस्पेक्शन चल रही है, लेकिन इंस्पेक्शन मूव करके ये कर रहा है, क्योंकि ये एक रोबोट है ऑब्वियसली। अब ये 3-4 सेकंड्स का ब्रेक लेगा और इसको सॉल्व, ये सॉल्व स्टार्ट हो गया। यार ये वैसे सॉल्व बहुत स्लो है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये एप्लीकेशन के बगैर चल रहा है। लाइक तुम लोग इसको यहाँ रख के बस इंजॉय कर सकते हो। अच्छा, तुम लोगों को पावर बटन की समझ आ गई। रीसेट मतलब ये रीसेट का जो इस पे साइन है, मतलब ये सॉल्व करता है। तीसरा बटन गौर से देखो, दो एरोस, यार कर ले फोकस, दो एरोस बने हुए हैं उस तरफ को, इसका मतलब है स्क्रैम्बल। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये सिंपल स्क्रैम्बल करेगा, मतलब करना तो स्क्रैम्बल चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिकग्नाइज कर रहा है कलर्स को। ये अब स्क्रैम्बल कर रहा है, और ये इसने स्क्रैम्बल कर दिया। अब आप इसको निकाल के सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो ये दूसरा बटन दबा के इसको सॉल्व करवा भी सकते हो। ये आप लोगों की मर्जी है यार। वैसे आपस की बात है, मुझे अब पता लगा ये मैंने सही नहीं लगाए हुए, लाइक इनको दरमियान में होना चाहिए, फिर भी ये सही से वर्क कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है यार। खैर, इसको मैं दोबारा से सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले दोबारा ये, अच्छा आखिरी बटन का काम अभी तुम लोगों को मैंने नहीं बताया, वो बताता हूँ, सब्र। अब ये सॉल्व स्टार्ट करने लगा, इसने इंस्पेक्ट कर लिया सारा। ये देखना, ए हो जा, ओहो, कैसा लगा सॉल्व। अब बारी है इस बटन की, लेकिन वो एंड पे हम बात करेंगे। उससे पहले इन्होंने जो दावा एक तरह का हम बोल सकते हैं कि है कि आप लोग किसी भी क्यूब को जिसमें ये सेंटर कैप्स फिट हो जाएं, उसको स्मार्ट क्यूब बना सकते हो। मैं कुछ ट्राई कर चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मैं ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इजी है ये। एक एक पकड़ो और इसको बस अपनी तरफ खींचो तो ये निकल आता है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं यार, लेकिन जो मैंने खोल लिए हैं, यहाँ से उतार लिए हैं, हम उन्हीं का ही यूज़ करने वाले हैं, ये 6 का। तो भाई गौर करना, जो इन्होंने सेंटर कैप्स दिए हैं वो उन पे सुराख हैं बड़े ना, ये ताकि वो वहाँ पे पकड़ ले। तो सिंपली मैं यूज़ करने वाला हूँ वर्म V9, वो भी पाए क्यूब का। इसकी टर्निंग बहुत अच्छी है, ये लाइक बिल्कुल मेन बन सकता है लोगों का। हम इस पे ट्राई करते हैं कि क्या ये सेंटर कैप लगता है कि नहीं, और आने वाली वीडियोस में तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो हम किस किस 3x3 के पजल पर इनके सेंटर कैप्स को ट्राई करें, ताकि ये सॉल्व भी करें ना। तो क्या ये लग जाएगा यार? ये बड़ा मक्खन लग गया यार, ये मोयू ने कुछ अलग किया है ना, मतलब लाइक तुम लोग देख सकते हो। अच्छा जी, ये और ये लास्ट वाला। अब आई थिंक मुझे खुद ही स्क्रैम्बल करना चाहिए, और
इसमें रखना चाहिए। निकल आ यार बाहर, बहुत तेरा इतना ही था आज का, ये हमने निकाल दिया। अब कलर स्कीम याद रखनी है, ऑरेंज इस तरफ आना चाहिए, वाइट टॉप पर होगा, ऑरेंज इस तरफ आएगा तो बाकी कलर स्कीम ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। यार ये इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व करने वाला है इसको। यार ये थोड़ा बड़ा है, क्या मसला है? आई थिंक इसने इसको ठीक से पकड़ लिया है और अब हम ये सॉल्व वाला बटन दबाने लगे हैं। आई होप पता नहीं क्या होता है यार, रिकग्नाइज करने देते हैं इसको। इसने रिकग्नाइज कर लिया, पता नहीं अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। लाइक पाए क्यूब का वर्म V9 हमने इसमें, ओ भाई यार ये पता क्यों हुआ है, ये हमने इसको सीधे नीचे किए जिसकी वजह से ठीक से इसने रिकग्नाइज करते वक्त ये टेढ़ा मटेढ़ा हो गया। इसको वाकई में बिल्कुल फिट करना पड़ेगा, हम सेकंड ट्राई करने वाले हैं। मुझे तो अभी यही वजह लगती है भाई, यार मैं बहुत सी ट्राइज कर चुका हूँ और अभी तक तो ये नाकाम ही रहा है, तो ये लास्ट ट्राई कर रहा हूँ। स्क्रैम्बल भी इससे करवाते हैं और सॉल्व भी इससे करेंगे। स्क्रैम्बल के लिए बताया था 3rd बटन यूज होता है, और अब सॉल्व। यार ये कुछ स्टेप्स मिस करता है, पता नहीं क्या वजह। यार इसने इंस्पेक्ट कर सॉल्व स्टार्ट कर दिया है, दुआ या कि अब कर ले और प्लीज यार सॉल्व कर देना। लग तो रहा है, लग रहा है इस दफा। ये यार ये मिस कर गए यार। ओ भाई ये तो वैसे ही घूमता जा रहा है, उतार दिया क्यूब तब भी। यार सच बताऊं, मैंने जब इसको पहले ट्राई किया था ये वीडियो बनाने से पहले, ये हुआ था सॉल्व। अब मैं मल्टीपल ट्राइज कर चुका हूं लेकिन ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। बट ये इसके साथ आने वाले क्यूब को तो मक्खन सॉल्व कर देता है। शायद कोई क्लॉ का मसला आ रहा है, ये शायद इसकी टर्निंग का कोई मसला आ रहा है, पहले नहीं था आ रहा, मैंने पाए क्यूब का क्यूब ही यूज़ किया था यार। खैर तुम लोगों को मैंने इस लास्ट बटन का मतलब समझाना था, इसमें मैंने ओरिजिनल क्यूब डाल दिया जो इसके साथ आया था। लास्ट वाले पे सबसे पहले देखो एक लूप, यार ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, ये एक लूप सा बना हुआ है। साफ मतलब है अगर तुम लोग इसको दबा दोगे, देखना यार मैं इस बटन को दबाने लगाऊं। ये अब सबसे पहले ये क्यूब को करेगा स्क्रैम्बल, ये इसने कर दिया स्क्रैम्बल। अब ये करेगा इसको इंस्पेक्ट, यार ये वैसे सरदर्दी है। अब इसने कर लिया इसको इंस्पेक्ट, अब करेगा ये इसको सॉल्व। अब इसने कर लिया इसको सॉल्व और अब देखना, लाइक ये अभी तो लाइट ब्लिंक नहीं, अब ये दोबारा इसको स्क्रैम्बल करेगा, दोबारा इंस्पेक्ट करेगा, दोबारा सॉल्व करेगा, दोबारा स्क्रैम्बल करेगा, दोबारा इंस्पेक्ट करेगा, दोबारा सॉल्व करेगा, और ये इसी लूप में घूमता रहेगा यार। आई थिंक अब तुम लोग बता सकते हो गैन रोबोट या मोयू रोबोट, मतलब बकवास ही है यार ये, मतलब लाइक एप्लीकेशन के बगैर चलता है, लेकिन हमें गैन रोबोट की आदत हुई है तो वो बहुत फास्ट है। लेकिन अगर तुम लोग एप्लीकेशन की सरदर्द बिल्कुल नहीं लेना चाहते और इसके मल्टीपल फंक्शंस को एंजॉय करना चाहते हो, बस रोबोट यहाँ से चलाया, यहाँ से स्क्रैम्बल किया या फिर स्क्रैम्बल करके पकड़ाया और यहाँ से ये दबा के सॉल्व कर लिया, या फिर लूप देखते रहे इसको लगा कर बस देखते रहे, तो ये तुम लोगों के लिए बना है। खैर अगर तुम लोगों ने गैन रोबोट पे वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग जाके देखो और मुझे बताओ हम इसके अंदर मजीद कौन सा क्यूब ट्राई करें। पाए क्यूब का तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वैसे हुआ था लास्ट टाइम, कसम से हुआ था। मैं ये वीडियो के बाद देखूंगा कि क्या मसला आ रहा, मुझे नहीं पता। तुम लोग मुझे बता सकते हो हम कौन सा लाइक RS3M2020 ट्राई करें या कौन सा क्यूब इसमें लगा के ट्राई करें। अब यार अगर वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, 3 लोगों को शेयर कर देना। और बस जाते जाते ना मैं तुम लोगों को मज़ेदार चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जाते जाते यार ये लूप एंजॉय करो, ये मैं टाइमर लगा के लूप पे लगा के जा रहा हूँ। अब गुड बाय, सब्सक्राइब।
ओए तुम लोग भी नहीं जा रहे, आखिर मसला क्या है? चले जाओ, मैं ये लास्ट सॉल्व दिखा रहा हूँ। ये यार 3 मिनट और 3:47। सब्सक्राइब यार।